हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ग्रो विथ मनी। आज हम निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे कि डेली चार्ट पे निफ्टी में ब्रेकआउट आया है या अभी फर्दर ब्रेकडाउन बाकी डाउनसाइड बाकी है। तो देखिए, हम कोई भी स्टॉक हो या निफ्टी हो या क्रिप्टो करेंसी हो या करेंसी फ्यूचर हो, कुछ भी हो, एक पैटर्न के रूप में चलते हैं। तो देखिए, जैसे ये सन 2020 में जब कोविड का टाइम था, तब निफ्टी ने एक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की थी। उसके बाद बी से एक रिकवरी आई और निफ्टी अपने पुराने हाईस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल दी थी और नए नए हाई बने। उसके बाद निफ्टी फ्यूचर जो निफ्टी है 15,000 के लेवल के आसपास एक रुकी, कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन हुआ और उसने एक बॉक्स के रूप में बनाया, एक बॉक्स टाइप में। इसमें ना तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रही थी ना ऊपर की तरफ जा रही थी। तो निफ्टी ने यहाँ काफ़ी दिनों तक समय व्यतीत किया। हम देखें 11 फरवरी 2021 से और 27 मार्च, यानी कि 2 महीने लगभग उसी रेंज में, रेंज बाउंड मार्केट में चलता रहा। आखिर आफ्टर ऑल निफ्टी ने इस बॉक्स के ऊपरी सिरे की तरफ ब्रेकआउट दिया और अपनी रेंज से बाहर निकली। 15,250 की रेंज से जब इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो एक रेंज के बाहर निकली और उसके ऊपर फिर से एक बॉक्स के रूप में फॉर्मेशन दिया। अब इसकी रेंज शिफ्ट हो गई थी, जो डाउनसाइड 14,280 से 15,250 थी। अभी उसकी डाउनसाइड जो इसका टॉप था उसके ऊपर बन गई, लेकिन अपसाइड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। अब 15,900 या 16,000 के आसपास, अब ये 15,250 से 16,000 के लेवल में फिर कुछ दिन इसने समय व्यतीत किया और इस दूसरे बॉक्स का जो ऊपर का एंड था उसके बाद उसकी तरफ इसने ब्रेकआउट दिया और इसमें एक फिर उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो देखिए, ये बॉक्स थेरेपी कहलाती है और इसको ज़्यादातर ट्रेडर्स यूज करते हैं। निकोलस दरबार ने इस थ्योरी को ईजाद किया था। देखिए, ये जब इस बॉक्स के ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया तो देखिए कितनी भयंकर तेजी देखने को मिली। 16,000 से लगभग 18,500 तक का निफ्टी ने सफ़र किया। अब हुआ क्या है, पिछले कई दिनों से निफ्टी एक रेंज में फिर से फंसी और 18,500 से नीचे गिरावट देखने को मिली। अब देखिए, फिर लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाती गई और निफ्टी एक रेंज में, ये जो दो लाइनें दिखाई दे रही हैं इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग पैटर्न। इन दोनों लाइन के ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन जो दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में निफ्टी अभी पिछले कई महीनों से ट्रेड कर रही है। अक्टूबर 2021 से अभी जुलाई 2022, लगभग 8-9 महीने से इस रेंज में फंसी हुई है। ना तो नीचे की लाइन ब्रेक कर रही है ना ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है। तो देखिए, लगातार आपको दिखाई दे रहा है कई बॉटम्स बने, कई सारे टॉप्स बने, लेकिन अभी ऐसा अलग क्या हुआ है? निफ्टी ने देखिए ब्रेकआउट दिया है या ब्रेकडाउन, अगर ये नीचे की तरफ लाइन के नीचे को ब्रेक करती तो हम फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि 19 जुलाई को निफ्टी इस लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है डिसाइसिवली। एक तो ना कि सिर्फ गई निफ्टी इसके ऊपर, बल्कि उसने क्लोज भी इस लाइन के ऊपर दे दिया है और आज 20 जुलाई को उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी निफ्टी। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम ये मान के चलेंगे कि निफ्टी ने अपना जो एक रेंज थी उसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। जनरली ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के ट्रेड्स जो होते हैं उसमें एक बड़ी तेजी या मंदी देखने को मिलती है। अगर ब्रेकआउट आया है तो एक बड़ी तेजी, जैसे देखो ये बॉक्स के ब्रेकआउट मारे तो 2 से 3 हज़ार पॉइंट की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ संभावना बन रही है। तो हम ये मान के चलते हैं अगर एक दो ट्रेडिंग सेशन में इसी लाइन के ऊपर ही ट्रेड करती है और नीचे की तरफ फर्दर गिरावट नहीं आती, तो हम ये मान के चलते हैं कि निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट दर्ज करा दिया है और ये जो लेवल दिखाई दे रहा है 15,200 के आसपास कहीं पे बॉटम आउट हो चुका है निफ्टी पिछले एक साल के कंसोलिडेशन के बाद। अगर नज़र रखनी होगी इस हफ्ते की क्लोजिंग, अगर इस लाइन के ऊपर आती है फ्राइडे तक, अगर इस लाइन के ऊपर रहता है तो
ये ब्रेकआउट जो है कंफर्म हो चुका होगा। इससे पहले भी एक बार कोशिश की थी अप्रैल 2022 में, लेकिन वो सक्सेस नहीं रही। सिर्फ एक दिन ऊपर खुल के दूसरे दिन से फिर नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो जोन है, यहाँ पे एक बार कोशिश की थी लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा ब्रेकआउट। देखिए तुरंत ही उसमें गिरावट दर्ज हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, अगर एक दो दिन इस हफ्ते के लिए अगर ये चलती है, अगर हफ्ते की क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, तो हम ये मान के चलेंगे कि निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है। देखिए इसमें एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी है, ये ट्रेडिंग टूल्स की तरह यूज है। ये वाला जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये आज ग्रीन कलर की है, ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। डेली चार्ट पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने भी बाय का सिग्नल शो कर दिया है, और जिसका स्टॉप लॉस 15,900 आ रहा है। अगर जब तक निफ्टी 15,900 के ऊपर है, तब तक हम अपनी बाइंग पोजीशन मेंटेन करके रखेंगे और हर गिरावट में बाय करेंगे जब तक कि 15,900 के नीचे ना आए। और ये स्टॉप लॉस जो है अगले एक दो दिन में रिवाइज होकर हो सकता है ऊपर 16,000 के आसपास आ जाए, जैसे ऊपर की क्लोजिंग आएंगी तो हम उस वक्त अपने स्टॉप लॉस को भी रिवाइज करते चलेंगे। अगर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कैसे यूज करना है नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसमें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में विस्तार से बताया गया, 2-3 वीडियोज हैं, उनको आप जरूर देखें। अगर हम इसमें RSI इंडिकेटर भी डाल के देखें, नीचे देखते हैं, अगर RSI भी ऐड कर दें, देखिए RSI पे भी 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 70-30 की लाइन है। अगर हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दें, जनरली मैं जो RSI के लेवल ट्रेड करता हूँ 60 या 40 करता हूँ, बाय डिफॉल्ट इसमें 30 और 70 के लेवल आते हैं, तो थोड़े बहुत इसमें चेंजेस कर सकते हैं हम। सिक्सटी के ऊपर लगातार बना हुआ है RSI, ये 70 का लेवल है, इसको अगर हम 60 कर दें और ये 30 का अगर 40 कर दें, 60 के ऊपर जब तक रहता है तब तक हम मान सकते हैं कि ग्रीन जोन में है और हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए 60 के ऊपर RSI पे निकल चुका, ये एक बार कोशिश की थी लेकिन उसके बाद फिर से बैक हो गया था, लेकिन अभी 60 के ऊपर ही है। तो RSI पे भी 60 के ऊपर है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी बाय दर्ज कर रहा है, और हमारा जो पैटर्न है स्लोपिंग पैटर्न, उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो तीनों ही कंडीशन हमारी बाइंग की फुलफिल हो रही है, तो हमें ये मौका मिस नहीं करना चाहिए, और इस वक्त अपनी फेवरेट स्टॉक्स में पोजिशन ले सकते हैं, जिन स्टॉक्स पे जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए थे लेकिन अभी काफ़ी सस्ते हो गए हैं, उन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। जब तक निफ्टी 16,000 के ऊपर है, तब तक हम अपनी बाइंग पोजीशन को मेंटेन करते रहेंगे। और एक बार की तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ने फिलहाल अभी बॉटम बना लिया है और निफ्टी बॉटम आउट हो चुकी है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।